यदि जीवन सुधारना चाहते हैं तो अपनी बोली को, अपनी भाषा को सुधार लीजिए। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 10:41 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 2:04 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 8:51 तक। राहु काल का समय जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे वो समय होगा सुबह के 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखेंगे, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आपका दिन कैसा रहेगा, आज आपको क्या करना चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है, खान पान का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।
अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, विवाह तय हो सकता है। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, जल्दबाजी से काम न लें। शनि मंत्र का अगर जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, धन का लाभ होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।